लॉकडाउन जो बाहर राज्य में फसी रही श्रमिक माने वर्तमान निज राज्य को फेरिबा को कळे बळे कौशले चेष्टा चलैछंती। काहेकि ना काम बंद एवं टंकार घोर अभाव को नहीं परिस्थिति खराब हेबारु बाध्यरे निज भिटामाटी जीवा छोड़ा अन्य बाट मिलला नहीं श्रमिक मानू। खाद्यर अभाव हंतसंत हो शेषे से निज राज्य को फेरवाई बस ट्रक इत्यादि जानवाहन जोगे आसुचंती। तेबे एहाको दृष्टि रे रखी गत 19 तारिखरु राजगांगपुर सहर रे हुसैन यूथ कमिटी रेबानी चौक तरफरु प्रवासी श्रमिकंकु राजगांगपुर रानीबंध स्थित आई हॉस्पिटल पाखरे सुखा खाद्य ओ पानीय जल जोगाई दिया जायछि। कमिटी रो सदस्य माने निजो खर्च रे प्रवासी श्रमिकंक पई खाद्य जोगाइछंती। एहा सह सहयोग पई उपस्थित थिले कमिटी रो सभापति एमडी फिरोज, उपसभापति एमडी मिराज, कोषाध्यक्ष एमडी सेजात ओ एमडी सामी, एमडी दानिश, एमडी संसान, एमडी अजहर खान, एमडी अक्रम, एमडी राशिद खान, एमडी तांजिल, एमडी राजा अली, एमडी परवेज प्रमुख। मैं एमडी मिराज अहमद राजगांवपुर मुस्लिम यूथ के तरफ से भाजपा प्रेसिडेंट रबानी चौक के तरफ से ये सब प्रोग्राम किया गया है। मजदूर बहुत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब बंगाल, झारखंड तरफ जा रहे है, मैं उसके लिए ये सब मैं बंदोबस्त किया हूँ। सर जब तक लॉकडाउन है ऐसे ही तो प्रवासी श्रमिक आते रहेंगे जी, लॉकडाउन तक के आप ये सब प्रोग्राम चालू रखेंगे? इंशाल्लाह जब तक लॉकडाउन है ये चालू रहेगा। मजदूर जाते रहते तक। जब तक मजदूर जाते रहेंगे उसके लिए बंदोबस्त पूरा लॉकडाउन तक लग है भाई, इंशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद समी जमा है, निक्रम बदलू है। आज ये प्रोग्राम हुआ है प्रवासी श्रमिक बस बोलना ये है सर कि हम लोग जितना कोशिश कर सके कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे तक भी करेंगे और हम लोग सब मिल के, जैसे मेरा शमशाद भाई है, दोस्त लोग जो सब कुछ है, ये लोग बस मिल के कोशिश ये कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा करें और अच्छा से सबको लेबर लेबर खाना वाना खिला के अच्छे से लोग घर पहुँच जाए। तो लॉकडाउन जब तक है आगे भी ऐसा प्रोग्राम चलेगा? जी हाँ जी हाँ, ये हमेशा चलेगा। जब तक लॉकडाउन चलेगा जब तक मजदूर जाएंगे अपने घर के लिए तब तक हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद सजादा एक गोलू है। सर आज जो प्रवासी श्रमिक है इसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में ये बोलना चाहता हूँ, हमारे रब्बानी चौक हसन यूथ कमेटी राजगांवपुर के तरफ से ये प्रोग्राम किया गया है और जितने लोग बाहर बाहर से दूर दूर से अपने घर जा रहे हैं, किसी को खाने पीने का सुविधा नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ हम लोग खाने पीने का इंतजाम किए हैं और सबको कोई भी भूखा ना जाए और अपने घर आराम से पहुंच जाए, इसलिए हम लोग अपना जो भी रब्बानी चौक मुस्लिम यूथ हसन कमेटी के तरफ से ये प्रोग्राम है। राजगांवपुर प्रफुल्ल कुमार साहू को रिपोर्ट, कलिंग समाचार।